जनाब कैसे हो आप सभी। होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेके हम आ गए हैं। बहुत बेस्ट आई थी कमेंट्स में डॉक्टर इसरार अहमद जी की वीडियो बनाओ, कयामत की सात बड़ी निशानियां। एंड आप सभी को पता है गाइस, जब से रेड हिफर वाला चला हुआ ना टॉपिक, तो तब से ये जिक्र हो रहा है कि कयामत आ रही है, कयामत आ रही है, कयामत आने वाली है। तो देखते हैं भाई ऐसी कौन सी निशानियां हैं जो सबसे बड़ी सात निशानियां हैं, कयामत आएगी जिसकी वजह से कौन सी ऐसी सात निशानियां जो उस वक्त जाहिर होंगी। फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं एंड अगर आप चाहते हो हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी की और वीडियो बनाएं तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, पता लग जाएगा आप चाहते हो। एंड अगर नहीं चाहते होंगे तो फिर पता लग ही जाएगा ऐसे भी नहीं चाहते हो। सो इसको प्ले करते हैं फिलहाल वीडियो को। बड़ी अलामतें जो कि बिल्कुल खर्क आदत के अंदाज में होगी, इनका मामला जो है वो आपके नाप तोल में नहीं आ सकता, आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स उनका जो है वो नहीं कर सकती, इदराक होगा ये कयामत की। उनमें नंबर एक क्या है, एक बहुत बड़ा धुआं आएगा, पूरी दुनिया को लपेटेगा। नंबर दो, दज्जाल का ज़हूर होगा जो अपनी खुदाई का दावा लेकर आएगा और बनवाएगा। उसके हाथ में हो जाएंगे, कब्जे में हो जाएंगे सारे ज़राए पैदावार के। उसकी तरफ ये पहला कदम उठ चुका हो, ट्रिप्स के नाम से मुआहदा हो चुका है। कोई मुल्क अपना बीज पैदा नहीं कर सकता, ये बीज हमने डेवलप किए हैं। इनके डेवलपमेंट से पहले तुम एक एकड़ से कितनी कितनी गंदू लेते थे, आज कितनी ले रहे हो? किस बिना पर? जेनेटिक्स का जो काम हमने किया है उसके बिना पर हो रहा है, तो हमारा हक है, इसकी रॉयल्टी हमारे पास आनी चाहिए। लिहाजा सिर्फ उन इदारों से, मल्टी नेशनल से खरीदा जाएगा बीज, और बीज भी वो देंगे वो कि जिससे जो फसल उगेगी वो बीज नहीं ला सकते, वो बीज का काम नहीं कर सकते। जैसे आपको मालूम है कि आपके यहाँ जो गोश्त खाया जाता है मुर्गे का, तो मुर्गा वो जो है उसमें मुर्गा हो या मुर्गी हो उसके अंदर कोई वो कैफियत ही नहीं है, उनके अंडे जो है उनसे आप बच्चे हासिल नहीं कर सकते। है तो अंडा, देखने को तो अंडा है, लेकिन वो अंडा जो है उससे बच्चा तो नहीं हासिल कर सकते। ऐसे ही वो गंदम का बीज देंगे, नजर आएगी गंदम, लेकिन उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि उससे जो फसल उगेगी उसका नतीजा जो है वो भी आप ले सकते। ये होना है, अल्लाह जाने, कदम उठ रहे हैं उधर। फिर ये है कि दाबतुल अर्द, जमीन से एक हैवान नमूदार होगा, जमीन शक होगी। अभी मैं कह रहा हूँ खर्क आदत है, ये चीज़ें वो नहीं है जो हमारी किसी हिसाब किताब में, जो बातें पहले आई हैं वो तो हिसाब किताब में आ रही हैं, सारी समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें मुशाहदा उनका हो रहा है। लेकिन यह है कि दाबतुल अर्द, ये कहते हैं कि कोहे सफ़ा, इसमें तो नहीं है हदीस में, कोहे सफ़ा फटेगा और उसमें से एक हैवान दाबा वो ज़ाहिर होगा। तो इसीलिए फरमाया है वैज़ा वकाल कौन अलैहिम अखरजना लहुम दाबतन मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम, तो हम अंदर से पेट के चीर कर जमीन जमीन के पेट को एक हैवान को बरामद करेंगे जो इंसानों से बात करेगा, वो तू करेगा। नंबर चार, तुलू शम्स मिनल मग़रिब, ये भी खर्क आदत, सूरज तो तुलू होता है मशरिक से, गुरूब होता है मग़रिब में, लेकिन उस वक्त मामला उल्टा हो जाए, उल्टा हो, यानी जो कायनात के अंदर जो गड़बड़ होगी कुछ समझ में बात आती है कि ये मामला जो है ये तो इस पूरे सोलर सिस्टम को अगर बदल देते हैं तो मशरक मगरिब हो जाना, मगरिब मशरक हो जाना, समझ में आने वाली बात है। इसके बाद है ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल, जिसके बारे में आज मैंने गुफ्तगू की है तफसील से, ये नुज़ूल होना है, ये अलामात क़यामत में से हुज़ूर ने बयान फरमाया है, और कुरान मजीद की जो इस्तिलाहात है उसके हवाले से मैं नस क़तई जो है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। फिर याजूज माजूज का एक मामला है, ये मैं अभी इस वक्त ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद दो काम हो गए, यहूदियों का कला कमा खत्म, तमाम यहूदी, एक काम तो ये होना है, और नंबर दो ईसाइत का खत्म हो जाना। ईसाइत की नफी कर देंगे, भाई मैं तुम मुझे खुदा का बेटा बनाए बैठे हो, मैं तुम्हें खुदा का बेटा नहीं हूं, मैं तो उसका बंदा हूं रसूल, मैंने तुमसे कब कहा था कि मुझे खुदा का बेटा बनाओ। नंबर दो ये कि वो खिंजीर को कत्ल कर देंगे, यानी ये तुमने खिंजीर कब से खाना शुरू कर दिया, मैं तो तुमको निकाह इजाजत देकर गया था, ये तो शरीयत मूसवी में हराम था और मैं कहकर गया था कि यही शरीयत तुम पर लागू रहेगी, हाउ कम तुमने कैसे ही? आज भी बहुत से रोमन कैथोलिक्स जो है वो सूअर नहीं खाते, वो इसमें है उनके अंदर कुछ ना कुछ बात जो है जो हजरत ईसा की तालीमात का कुछ कुछ असर उनके यहाँ है। मैं तो एक मरतबा, ये 1971 की बात है,
चार पांच दिन के लिए ब्रसल्स में रुका था, इसलिए कि वहाँ मुझे एक साहब ने ख़त लिखा था कि वहाँ एक नौजवान है अभी इस विमान लाया है और उसके कुछ मसाइल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनके मसाइल हल करें, आप भी जा रहे हैं। मैं इंग्लैंड जा रहा था तो वापसी पर आप उनके यहाँ चंद दिन ठहरे। मैं ठहरा, मैं हैरान हुआ। वैसे उसने मुझे अपने घर ठहराया नहीं, इसलिए कि माँ बाप तो उसके क्रिश्चियन थे और पुलिस का चीफ ऑफिसर उसका बाप था, चीफ ऑफ पुलिस फोर्स। उसने मुझसे एक दिन खाने पे बुलाया, मैं होटल में ठहराया मुझे। उसने कहा आप इत्मीनान से यहाँ खाना खाएं, इस घर में ना आज तक कोई शराब की बूंद आई है और ना ही कोई बोटी आई है सुअर की। रोमन कैथोलिक, अब अकलौता बेटा था अब्दुल अजीज, उसने बाद में नाम रखा वान कैंटर उसका नाम था जो कि ओरिजिनल था, फिर उसने नाम रखा अब्दुल अजीज वान कैंटर, पुराना नाम भी बाहर रखा। नहायत देख, नहायत खूबसूरत, 28 साल की उम्र थी और उस पर मैंने देखा था कि उसकी फिक्ही मालूमात जो है मेरी मालूमात से 10 गुना ज़्यादा। इसकी वजह क्या है, वो गया था मोराको में एज ए टीचर मुलाजमत करने, पैसा कमाने। वहाँ वो मुसलमानों से उसका हुआ रब जब्त हुआ, इस्लाम की तालीमात सामने आई, इस्लाम ले आया। अब अकलौता बेटा है और माँ बाप जो है क्रिश्चियन कैथोलिक्स। जब वहाँ से वापस आया तो फिर कहते हैं कि हमारे दरमियान एक वाहिदा है, वी आर लिविंग टुगेदर, लेकिन ये मुआवजा है हम मज़हब पे बात नहीं करेंगे बस, बाकी जो भी है वो साथ रह रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हुआ, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, उसके बाद उसने जब इस्लाम का फैसला किया तो उसके सामने सवाल आया कौन सी फिक्र इख्तियार करूँ, तो उसने बड़ी जो है थॉरो स्टडी की है तमाम फिक्रों की, कंपेरेटिव स्टडी इनको करने के बाद फिर फाइनल फैसला उसका ये था कि हम्बली फिका मैं इख्तियार करूँ। चारों फिकों में सबसे लेटेस्ट हम्बली है, यानी हनफी नंबर एक, फिर मालिकी नंबर दो, फिर उसके बाद शाफी नंबर तीन, फिर ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल है। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के ज़माने तक अहादीस बहुत बड़े पैमाने पर जमा हो चुकी थी, जबकि अभी हज़रत इमाम अबू हनीफा के ज़माने में कोई इतना ज़्यादा जो है हदीस का अभी ज़खीरा नहीं बना था। इसी पर तो लोग हैरान होते हैं कि ज़्यादा हदीस इमाम अबू हनीफा के इल्म में नहीं थी, लेकिन मजाल है कि उनका कोई फतवा जो है किताब और हदीस के, किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। अगरचे उन्होंने साफ कहा कि अगर तुम पाओ कोई ऐसी सच्ची हदीस, पुख्ता हदीस जो मेरी किसी राय के ख़िलाफ़ हो, तो मेरी राय को दीवार पर दे मारना और उस सही हदीस की पैरवी करना। लेकिन वैसे उसके बाद ये कमाल ये है कि बहुत ही कोई शाज मामला है कि जिसमें उनका कोई फतवा वो किताब और सुन्नत के मुनाफी हो या सुन्नत के मुनाफी हो। किताब पे तो सवाल पैदा नहीं होता, किताब तो सारी उनके सामने मौजूद थी। इसके बाद ये है कि याजूज माजूज, जैसे में मैं बता रहा था आपको कि जब ईसाइत भी ख़त्म हो गई, यहूद वैसे ख़त्म हो गए, इस्तीसाल हो गया, जड़ कट गई, अब ईसाइत गोया कि इस्लाम में जम हो गई, ईसाइत मजहब ख़त्म, यहूदी खुद ख़त्म, अब ये ताकत कितनी हो जाएगी? तकरीबन दो तिहाई दुनिया आ गई तमाम, अब ईसाई 2 अरब के करीब है, 1 अरब 90 लाख 90 करोड़ हो गया, मुसलमान भी 1 करोड़ 50-60 लाख है, दोनों को जोड़ लीजिए कितने हो गए, 6 अरब कुल आबादी है। लेकिन उसके बाद आता है याजूज माजूज का खुरूज। ये याजूज माजूज मेरे नज़दीक चाइना और रशिया है, इनकी मजमूई ताकत इतनी होगी और ये इस तरह आएंगी हर ऊंचाई पर से उतरते हुए, फिसलते हुए, जैसे 1962 में जब वॉर हुई थी बिटवीन चाइना एंड इंडिया 1962 में, तो वो उस वक्त का नक्शा जो आज भी अखबार में पढ़ता था, तो यहाँ waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas. ये तो वो है ना जिनकी तादाद का कोई हिसाब नहीं है। और रशिया और ये मिलकर जो है, मेरा अंदाज़ा ये है कि जब पहले मलहमतुल उज़्मा होगी वो ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान, उस वक्त ये दोनों पावर्स न्यूट्रल रहेंगी, लेकिन गालिबन ये बात तय कर लेंगी कि वेपन्स ऑफ वर्ल्ड जो है मास डिस्ट्रक्शन ये इस्तेमाल मत करना, अगर ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करोगे तो हम मैदान में आ जाएंगे। उसमें वो जंग जब हो चुकेगी, फिर हजरत ईसा को फतह हासिल हो जाएगी,
और फिर ये कि यहूदियत ख़त्म हो जाएगी, ईसाइत बतौर मज़हब ख़त्म होकर इस्लाम में ज़म हो जाएगा, फिर वो 40 बरस का अहद हुकूमत है हज़रत ईसा अलैहि सलाम। लेकिन जब ये फतह हो जाएगी इन पर, अब याजूज माजूज आएंगे और इतनी तादाद में आएंगे कि बहरे तबरिया जो है उसका सारा पानी पी जाएंगे। ये तो अगर आपको कभी अंदाज़ा हो या कोई आप जाने इन लोगों को जो इन चीनियों से वाकिफ़ हैं, वो कहते हैं ज़मीन पर हिलती हुई कोई चीज़ों से वो छोड़ी छोड़ खा जाएंगे। जहाँ वो जाते हैं एज ए लेबरर, वहाँ के जो सारे कुत्ते हैं ख़त्म, सारी बिल्लियाँ ख़त्म, हर शय वो जो सांप खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं। और ये तमाम ईस्टर्न कंट्रीज में भी होता है, बड़ी डेलिशियस डिशेज हैं ये, सांप वगैरह वगैरह, और ये जिस तरह खा जाए पानी पी जाए एक कतरा नहीं रहेगा उस पर। तो फिर जो है अल्लाह ताला उस वक्त जो है इसमें एक ऐसी बीमारी पैदा करेगा, ये सब मर जाए, ये मौजदे से होगा। यानी इनके ऊपर फतह जो है वह आम लड़ाई के जरिए से नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर फतह जो होगी वो अल्लाह ताला से बोझ, एक बीमारी पैदा होगी सब मर जाएगी। और उसके बाद अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा बड़ी लंबी लंबी गर्दनों वाले, वो इन सबको खा जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ गिद्ध होते हैं, वो इनको साफ कर देंगे। वरना तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो बदबू और जो पैदा होता मामला उससे, तो उस नौ इंसानी की बका मुमकिन नहीं थी। इनके खात्मे के बाद फिर ये होगा कि हुकूमत इस्लामी जो है पूरी दुनिया में हज़रत मसीह अलैहि सलाम की होगी। 45 बरस वो रहेंगे, इसी में वो कहलन भी आ जाएगा, वो फिल्माद व कहलन जो मैंने शुरू में बयान किया था। इसी में फिर ये है कि वो शादी भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी, और फिर इंतकाल होगा तो हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में, वहीं पर जहाँ हुजूर और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दफन है, वहीं पर उनको दफन किया जाए। और क़्यामत के दिन हुजूर फरमाते हैं कि मैं और ये तीनों साथ निकलेंगे। तो ये है वाला तो वाक़यात। बहरहाल इसमें यह है कि ये नोट कर लीजिए कि जहाँ तक हमारे यहाँ आजकल का मामला है, मेरे नज़दीक मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, जो रफ़ो नज़ूल मसीह को नहीं मानता वो कम से कम मुनकर हदीस जरूर है। मैं इससे कम का फतवा नहीं दे सकता। अब यह है कि जो लोग महदी को नहीं मानते उनका मामला मैं मुख्तलिफ समझता हूं, चंद मिनट ले रहा हूं आपके, और इसलिए कि उनकी हदीसें सही हैन में नहीं है, बुखारी मुस्लिम में नहीं, और यह कि बहरहाल उनका मामला जो है वो ऐसा नहीं है हजरत ईसा का। हजरत ईसा के आने का जो कुछ होगा वो तो मैंने आपके सामने बयान कर दिया, लेकिन यह है कि हज़रत मेहदी हमारे नज़दीक उसमें खरते आदत कोई है ही नहीं। जैसे हर सदी के मुजद्दिद होते हैं, आखिरी सदी के मुजद्दिद वो होंगे, और मेरे नज़दीक यही आखिरी सदी है और इसी में हज़रत मेहदी का ज़ुहूर हो जाना। सऊदी अरब में कोई खाना जंगी होगी किसी बादशाह के इंतकाल पर, और फिर उस वक्त ये जाहिर होंगे, उस वक्त मुल्क के हालात को संभालने के लिए लोग इनको ज़बरदस्ती निकालेंगे, छुपे हुए होंगे एक घर में। यह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि एक बादशाह के इंतकाल पर ये खाना जंगी हो जाएगी और एक शख्स मदीने से भागकर मक्के में छुप जाएगा। ये तो है उनके अल्फाज, मैं तौजीह कर रहा हूँ। ये लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे कि ये जो वक्त आया है फितने का हमारी कौम पर, हमारे मुल्क पर, तो इनकी शख्सियत ऐसी है कि ये बीच में आएँ, सुलह सफाई कराएँ, और वो जो है इस जिम्मेदारी से बच कर भागेंगे और जाकर मक्के में छुप जाएंगे। फिर लोग उन्हें तलाश करके निकालेंगे और ज़बरदस्ती उनके हाथ पर बैठ करेंगे, वरना वो इतने बड़े मनसब को। और फिर ये भी है, एक हदीस में आता है युस्लिहू फी लैलतिन वाहिदा, एक रात में उनकी मुकम्मल इस्लाह कर देंगे। यानी अगर कोई थोड़ा बहुत नक्स और ऐब हुआ भी, कोई कमी कोताही हुई भी, तो अल्लाह ताला एक रात में इस्लाह करवा देंगे। लेकिन हमारे नज़दीक इसके अंदर कोई खरक़े आदत है ही नहीं। अलबत्ता जो ऐसे कहते हैं अहले तशय्यो, वो खरक़े आदत है कि उनके बारहवें इमाम जो है वो बचपन ही के अंदर इस खौफ से कि जो बनू अब्बास बादशाह हैं वो इनको कत्ल कर देंगे, तो वो एक गार में छुपा दिए गए। अब वो 1200 बरस से उस गार के अंदर छुपे हुए, और उसके बाद वो जाहिर होंगे, वो इमाम महदी होंगे। इसमें खरक़े आदत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहस खरक़े आदत की बुनियाद पर हम उसकी नफ़ी नहीं करेंगे। क्यों? क्या हम ये नहीं मानते कि असहाबे कहफ 300 बरस तक सोए रहे? यस, ये क्या आम बात है? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें मौत दी, मौत, और 100 बरस के बाद जिंदा करके उठा लिया। तो खरक़े आदत, हज़रत ईसा को हम इतना बड़ा खरक़े आदत मानते हैं कि उठाकर आसमान पर, तीसरे आसमान के ऊपर है, मौजूद है, अब भी है।
शबे मेराज में तीसरे आसमान पर हुजूर की मुलाकात उनसे हुई। तो ये खर्चे आदत की बुनियाद पर नफी नहीं हम करते, हो सकता, लेकिन ये कि उसके लिए हमारे पास कोई दलील नहीं, कोई अहादीस नहीं, कुछ नहीं, इसलिए हम उसको नहीं मानते। अलबत्ता खुद वजूद जो है हजरत मादी का, वो कोई अजीब बात नहीं है, वो तो जैसे पहले भी आए हैं हमारे मुजद्दीन ऐसे मुजद्दिद होंगे और दीन को ताज़ा कर देंगे। एक सही इस्लामी रियासत जो है वो अरब में कायम हो जाएगी दोबारा। हुजूर ने फरमाया वो अदल और इंसाफ से अरब को इसी तरह भर देगा जैसे कि वो उससे पहले जुल्म और जोर और ज्यादतियों के उससे भरी हुई होगी। तो ये काम होगा, ये तो मुजद्दिद का काम होता ही है इस हवाले से। लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी कहा कि अगर अहादीस की कमजोरी की वजह से कि सही ऐन में नहीं है, अगर कोई शख्स इनकार करे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हजरत ईसा के नफ़े समावी और हजरत ईसा के नुज़ूल का इनकार करता है, वो कम से कम, मैं उन्हें और आगे कोई फतवा नहीं देता कि वो काफिर हो गए या ये हो गए या वो हो गए, लेकिन मुनकर हदीस के लाइन में तो वो लाजमन खड़े हो गए। सो गाइस ये थी वीडियो, एंड इसमें डॉक्टर इसरार अहमद जी ने जिक्र किया सात बड़ी निशानियों का। वैसे हम बहुत ज्यादा निशानियों के बारे में सुन चुके हैं, लेकिन इसमें उन्होंने निशानियों का जिक्र किया था, पूरा ब्रीफली करा था भाई, पूरा मतलब की पुरानी चीजें अंदर से निकाल के डेप्थ से उन्होंने सूरज का जिक्र करा कि सूरज मगरिब से तलू होगा ना, एंड सोचो वो मंजर कैसा होगा जिस दिन वो चीज होगी ना, सूरज वहां से निकलेगा उल्टी डायरेक्शन से, वो तो हम भाई सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये अजीब लगेगा सब कुछ, धूप कहाँ की कहाँ होगी, सब कुछ चेंज लगेगा, कहाँ पे अंधेरा होगा, कहाँ पे ये जो मजूस की बात उन्होंने किया, फिर मजूस का ऐसे उतरेंगे बिना नॉन स्टॉप है ना, सब कुछ खा जाएंगे, वो सब कुछ खा जाएंगे भाई, जो भी होगा धरती जो मिलेगा वो खा जाएंगे, पानी एक नहर का बता रहे हैं वहाँ का, वो भी वो पी लेंगे सारा का सारा, एंड फिर एक बीमारी लगेगी जो अल्लाह ताला है वो बीमारी को नाजिल करेंगे, वैसे तो इंसानों से वो मरेंगे नहीं, लेकिन वो बीमारी को एक नाजिल करेंगे जिसके थ्रू वो मर जाएंगे। एंड बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो भाई, क्यामत की निशानियाँ आप पता नहीं कब पूरी होती हैं, हम देख पाएंगे वो निशान, देख तो रहे हैं हम धीरे धीरे है ना, ऐसी बात नहीं है, बट ये जो मेन निशानी है जो मौजूद वाली, फिर सूरज का मगरिब से निकलना ना, ये चीज़ें हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, वैसे तो हम देख ही रहे हैं भाई, गंद फंद जो अत्याचार बढ़ रहा है वो तो देख ही रहे हैं हम डेली। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।